अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए हमने ये गाजर को कद्दूकस करना है, नाइफ से नहीं काटना है और ना ही हमें साबुत गाजर डालनी। जो लोग बहुत बड़े टुकड़े डाल देते हैं ना गाजर के, तो उस तरह से गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता। तो हमने कद्दूकस करनी है ताकि गाजर का हलवा अच्छा बने। उसके लिए मैंने लिया है ये मिल्क पैक, अगर आप चाहें तो आप गाय का मिल्क भी ले सकते हैं। और यहाँ लिए मैंने ये आधा कप लिया है मैंने मलाई का, और ये मैंने लिए है बादाम पिस्ते काट लिए हैं, ये चीनी है और ये है हमारा खोपरा जिस तरह से मैंने काट लिया है। अब हम इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे अपना ये गाजर को। गाजर आपने लेनी है बिल्कुल रेड। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड जो गाजर होती है उसी का हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सारी चीज़ें, मतलब कि मिल्क डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे। अभी मैं सब चीज़ें डालती हूँ इसमें। ये देखिए इसमें मैं डाल देती हूँ ये मिल्क। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये तो आपके हिसाब से होगी। जितना आप मीठा खाते हैं उतनी ही चीनी ले लें आप इसमें। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालिएगा क्योंकि पानी ही नहीं डलता है गाजर के हलवे में, सिर्फ ही मिल्क में ही रेडी होता है। अब इसमें हम डाल देंगे ये शक्कर भी। मैंने अपनी गाजरों के हिसाब से बिल्कुल सही ली है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं आधे घंटे ढक कर रख दूँगी नॉर्मल आंच पे, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्की, नॉर्मल आंच पे रख दूँगी इसको, ताकि अच्छे से जब इसका पानी जब थोड़ा सा जल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद में डालूँगी इसमें ये क्रीम मलाई नेस्ले की। ये ज़रूर डालिएगा, बहुत से लोग इसमें डालते हैं खोया, तो खोए से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ मलाई डालनी है। अभी मैं इसको रख देती हूँ, आधे घंटे बाद इसको चेक करूँगी। ये देखिए यहाँ आधा घंटा हो गया और इस गाजरों का जो पानी था वो सारा जल चुका है, अब सिर्फ मिल्क बचा है। तो जब पानी सारा जल जाए उसका, तो इसमें हम डाल देंगे ये कटा हुआ खोपरा अपना, और इसमें हम जी हमारी नेस्ले की जो मलाई है इसको भी हम डाल देंगे। हम इसमें डालती हूँ सारा, और फिर इसको मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमें अगर आपको पसंद है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो जायका आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ा हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ एक घंटे के लिए, और फिर इसको हम एक घंटे बाद चेक करेंगे। ये देखिए इसको पकते हुए एक घंटा हो गया है, और ये जिसके अंदर मिल्क था ना वो भी इसमें खुश्क हो गया है। अब जब इसमें पानी भी गाजरों का खुश्क हो जाएगा और मिल्क भी खुश हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे ऑयल। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो आप घी डाल दें, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। कितना डालना है हमने? हमने ये डालना है एक कप जितना, जैसे हम चाय का कप लेते हैं ना उतना डालना है हमने। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो घी डाल दें। तो मैंने इसको घी में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि घी में जो है ना जम जाता है, घी अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए भी, इसलिए हमने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स करके हल्की आँच पर हमने इसको रख देना है, और इसको अब हमने चेक करना है आधे घंटे बाद। बहुत अच्छी खुशबू उसमें से उड़ने लगेगी और उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा डार्क। और जब बन के रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको इसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे अपने, और इसमें हम डालेंगे अपने इसको हम इलायची से इसका बघार भी देंगे। तो ये अच्छे से हो जाता है जब रेडी, बिल्कुल अच्छा सा कलर इसका आ जाता है, तो फिर समझो कि ये रेडी हो गया। अभी आधे घंटे इसको छोड़ देते हैं, आधे घंटे बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए एक घंटे बाद मैंने इसको जब चेक किया तो इसका देखें
ये जो ऑयल था वो ऊपर आ चुका है और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया इसका। ये हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है, गाजर का मज़ेदार सा हलवा। और इसको जिस तरह से मैंने बनाया इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखिए कितना मज़े का मज़ेदार सा हलवा मैंने तैयार कर दिया। 2 से 2.5 घंटे में हमारा ये गाजर का जो हलवा है वो तैयार हो जाता है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। इस तरीके से आप भी ऊपर से डालिएगा इसको, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। मैं इसको डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का लगेगा ये और भी ज़्यादा। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको डेकोरेट भी कर दिया ज़बरदस्त सा। इस पर बादाम पिस्ते लगा दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और मीठा भी बहुत अच्छा बना है। और इसके अलावा ये कि इसको आप चाहे कुकिंग ऑयल में बनाएं, आप घी में बनाएं या इसको आप असली घी में बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाया है और अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और बना के ज़रूर खाइएगा, क्योंकि सर्दियों में खाने का इसका मज़ा डबल होता है। तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो चलती हूँ, मिलती हूँ एक अगली वीडियो के साथ, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।